नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसविंदर सहगल। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की दूसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। नर्सिंग कर्मियों में सेवा भावना के साथ काम करने का फिर किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने सचिवालय के आधुनिकीकरण और उन्नयन के तहत नॉर्थ ब्लॉक का किया शिलान्यास। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में भी लिया हिस्सा। भारत निर्वाचन आयोग का दल प्रदेश के दौरे पर, राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ले रहा जायजा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से जयपुर में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर अहम निर्णय ले रही है। इन्हीं का परिणाम है कि राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी आयाम स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ पीड़ित मानवता की सेवा में लगी हुई है और मेडिकल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विकास कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। हर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज और संभाग में पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि 1773 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, जबकि 67 उप जिला तथा 27 जिला अस्पताल भी खोले गए हैं। हर जिले में नवीन मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज खोलने का कार्य भी किया गया है। परिणाम बधाई, उसके लिए सबको बधाई है। परिणाम बदल गया आपका, विश्व गुरु तो बनोगे तब पहले हमारे यहाँ भोगपुरी खत्म होगी, कुपोषण खत्म होगा, तब विश्व गुरु बनेंगे। हमको सबको विश्वास सुराय मिले, सबको शिक्षा मिले, पानी बिजली की कोई कमी नहीं रहे, सबको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ, मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में सचिवालय के आधुनिकीकरण और उन्नयन के तहत नॉर्थ ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं संत अपने पद की प्रतिष्ठा गोपनीयता को पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर कर्मचारी कल्याण में कार्य करूँगा तथा संघ के संविधान के अनुरूप सभी मर्यादाओं का एवं अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाते हुए राज्य की जनता के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील रहूंगा। इसमें रक्षा करें, बधाई आपको। इसके बाद मुख्यमंत्री सीकर जिले के धोद पहुंचे। उन्होंने लोसल के सांगलिया धुणी में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महंत ओमदास महाराज भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगी। कल देर रात मुख्यमंत्री निवास पर हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सुचारू विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए। बैठक में तीनों डिस्कॉम क्षेत्र में विद्युत की मांग, उपलब्धता, खराब ट्रांसफार्मर्स को बदलने, कोयले की उपलब्धता सहित अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। श्री गहलोत ने कहा कि सरकार निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए महंगी दरों पर भी विद्युत खरीद के लिए तैयार है, ताकि त्यौहार के अवसर पर उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने अधिकारियों को खराब ट्रांसफार्मर समय पर बदलने, ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। भारत चुनाव आयोग का उच्च स्तरीय दल आज जयपुर पहुंचा।
ये दल 3 दिनों तक राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल के साथ आयोग के शीर्ष अधिकारी 1 अक्टूबर तक जयपुर में रहेंगे। उन्होंने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद आयोग राज्य पुलिस, आयकर, उत्पाद शुल्क, परिवहन, वाणिज्य कर और कुछ अन्य विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर रहा है। चुनाव तैयारी के बारे में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों की ओर से कल आयोग के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, परंतु उससे पहले ये संदेश। पत्थर पे लकीर बन गया है अपना इरादा, है ठाना बढ़ते जाएंगे यही है वादा, जुड़ा हाथ से हाथ ऐसी जंजीर बनाएंगे, मजबूती से इसको थाम के जाएंगे, गाएंगे हम सब गाएंगे, जश्न तरक्की का मनाएंगे, गाएंगे गति बढ़ाएंगे, राजस्थान प्रथम बनाएंगे। संकल्प नहीं बुझाना है, खींच कमान को रखना नजर टिकाना है, कदम उस तरफ बढ़ते जहां निशाना है, विषय इसका देखो कितना सुहाना है, बस बोल नहीं ये हम करके दिखाएंगे, छाएंगे हम ही छाएंगे, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के साथ समीक्षा बैठक की। फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव ने इस दौरान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उन्हें फाउंडेशन के कामों की जानकारी दी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमती वीनू गुप्ता को राजस्थान स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का अध्यक्ष बनाया गया है। यह पद श्री एनसी गोयल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से खाली पड़ा था। श्रीमती गुप्ता अभी एसीएस के पद पर उद्योग विभाग का कामकाज संभाल रही हैं। प्रदेश के 26 जिलों के 400 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आगामी 75 दिनों में स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के नवाचार मिशन स्टार्ट के तहत विद्यार्थियों को मिशन ज्ञान के कक्षा 9 से 12 तक के ई लेक्चर के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर पढ़ाई कराई जाएगी। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सा संस्थानों में रोगियों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें स्वस्थ रहने के लिए संयमित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम यूज हार्ट नो हार्ट रखी गई है। राज्य सरकार बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील है और इसका प्रमाण है पालनहार योजना। आइए देखें इस विषय में यह खास रिपोर्ट। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 500 मिला, मैंने इस बार 750 रुपये किए हैं, और 6 से 18 साल के बच्चे जो हैं 1000 रुपये प्राप्त करते थे उनको 1500 रुपये मिलेंगे। एक ऐसी योजना जो सपनों को साकार करने का माध्यम बनी है। मेरे 2 बच्चे हैं, अनुष्का निकलेश, निकलेश फर्स्ट क्लास में है, अनुष्का थर्ड में। इन दोनों बच्चों की पहले 1000 रुपये थी, अब 1500 रुपये करके 3000 रुपये इनका आ रहा है। जो योजना का लाभ दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5,91,000 से अधिक पालनहार लाभार्थियों के बैंक खातों में 146,74,00,000 रुपए का सीधा बेनिफिट ट्रांसफर DBT कर दिया है। ये योजना एक प्रगतिशील राजस्थान की ओर बढ़ता कदम है, जहां हम बच्चों के भविष्य का मजबूती से निर्माण कर रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।